आजादी के 75 वर्ष से अधिक हो गए, लेकिन कई गांव आज भी सड़क सुविधा से वंचित हैं। चंपावत जिले के हाल भी इससे अलग नहीं। जी हां, सड़क न होने की पीड़ा एक बार फिर उजागर हुई है। चंपावत जिला मुख्यालय से करीब 23 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत भंडार बोरा गांव के एक बुजुर्ग को ग्रामीण डोली से 5 किलोमीटर पैदल चलकर सड़क तक लाए। बताया जा रहा है, बुजुर्ग शिवराज सिंह पिछले 3 दिन से बीमार चल रहे थे। तबीयत ठीक नहीं हुई तो ग्रामीणों ने डोली बनाकर उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए काफी संघर्ष और करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद मरीज को सड़क तक पहुंचाया, जहां वाहन में बैठाकर 18 किलोमीटर दूर अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर्स ने उसका इलाज कर उनको भर्ती कर दिया। ग्राम प्रधान महेश सिंह कुंवर ने कहा कि सड़क न होने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बीमार गर्भवतियों को डोली के सहारे ही लाया जाता है। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में क्षेत्र से पलायन भी बढ़ रहा है। सड़क को लेकर कई बार विभाग प्रशासन सीएम कैंप कार्यालय में ज्ञापन दे चुके हैं। सड़क बनती तो राह आसान हो जाती। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।